हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टेस्ट की हम बात करने वाले हैं, उस टेस्ट का नाम है फ्रेंड्स ओलिगोक्लोनल बैंड। कि ओलिगोक्लोनल बैंड्स जो है, ये क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, किस बीमारी में या किस जो बीमारी या डिजीज है उसका डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर इस टेस्ट को करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो, कि ओलिगोक्लोनल बैंड क्या होता है। फ्रेंड्स, ओलिगोक्लोनल बैंड्स ये होता क्या है? फ्रेंड्स, ओलिगोक्लोनल बैंड्स, इसको ना CSF या सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट भी कहा जाता है, और कभी कभी फ्रेंड्स इसको ओलिगोक्लोनल बैंड CSF टेस्ट को CSF इम्यूनोफिक्सेशन भी कहा जाता है। ये हमारे सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड में इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, कि उपस्थिति का पता लगाता है, यानी कि उसकी प्रेजेंस का पता लगाता है। इन बैंड्स की मौजूदगी का मतलब है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सूजन होना है, जो किसी इंफेक्शन या डिजीज के कारण हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी और हमारा जो ब्रेन है, ये शामिल होते हैं। जो CSF है, CSF यानी कि सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाला एक साफ यानी कि क्लीन फ्लूइड होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चोट लगने और अचानक से दबाव पड़ने या प्रेशर पड़ने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओलिगोक्लोनल बैंड शब्द के पीछे एक तथ्य है कि जब CSF को एक जल की प्लेट में रखकर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए या दिया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक बैंड के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, ओलिगोक्लोनल बैंड के लिए CSF टेस्ट के साथ जो हमारा एक ब्लड का जो सैंपल होता है, उसके अंदर जो क्लॉट पार्ट होता है सीरम, यानी कि उसकी भी साथ में जांच की जाती है, यानी कि उसका भी साथ में टेस्ट किया जाता है। कुछ जगह क्या होता है, CSF से भी होता है, और CSF और ये क्या नाम है, ब्लड, दोनों से भी ये टेस्ट किया जाता है। CSF में मौजूद बैंड्स केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर ही दिखाते हैं, खास तौर पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी अदर कंडीशंस, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन, स्वेलिंग या फिर न्यूप्लासिया। न्यूप्लासिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक टाइप का ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। सीरम और CSF दोनों में मिले जो बैंड सामान्य इंफेक्शन की ओर संकेत करते हैं, जैसे सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस क्या होता है, सूजन संबंधित एक डिजीज जो कई ऑर्गन्स या हमारी बॉडी के पार्ट जो अंग है उनको प्रभावित करता है। ठीक है, न्यूप्लासिया या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम, कि जो ओलिगोक्लोनल बैंड, ये जो टेस्ट है, ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि डॉक्टर को आपके शरीर में या हमारी बॉडी में कोई भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का कोई डाउट होता है, तो वो इस टेस्ट को कराने की सलाह दे सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम माइलिन, ये क्या होता है, नसों के चारों ओर एक बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, नसों और माइलिन बनाने वाली सेल्स को डैमेज करने लग जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं, यानी कि जो इसके लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, के बारे में नहीं बताया जा सकता। ये पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं, और समय के साथ साथ ये बदलते भी रहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो स्क्लेरोसिस के कुछ नॉर्मल सिम्टम्स क्या है। फ्रेंड्स, नॉर्मल सिम्टम्स में चलने में तकलीफ हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, अकड़न और जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें ऐंठन, जो कि आपके किसी भी ऑर्गन या हमारे बॉडी पार्ट में हो सकती है। अधिकतर ये टांगों में ज्यादा होती है। ठीक है, चेहरे, हमारे शरीर, जो हमारी बाहें हैं, टांगों में कई बार सुन्न सा पड़ जाना, दिखाई देने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बॉडी में पेन हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आना। ठीक है, कोई स्टोमक प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, ठीक है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स, और कुछ सिम्टम्स जो काफी कम दिखाई देते हैं, जैसे कि निगलने में प्रॉब्लम, निगलना मतलब सटकने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, ट्रेमर, दौरे पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, सुनाई न देना। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज
और सूजन संबंधित कंडीशन का भी टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ब्रेन की सूजन, मेनिनजाइटिस, लाइम डिजीज। लाइम डिजीज क्या होता है फ्रेंड्स, ये बोरेलिया बैक्टीरिया द्वारा, मतलब एक बोरेलिया बैक्टीरिया के से होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। न्यूरोसिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस क्या होता है फ्रेंड्स, सिफिलिस बैक्टीरिया द्वारा होने वाला इन्फेक्शन, तो इसको बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है हमारा ओलिगोक्लोनल बैंड, ये ज्यादातर अगर हम यहाँ पर बात करें लोकलाइज इसकी, तो मैन इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल स्कोलरोसिस का अगर पेशेंट, डॉक्टर को पेशेंट पे डाउट होता है तो ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम इस टेस्ट की, कि इस टेस्ट का प्राइस कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो लैब टू लैब या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज हो सकता है, क्योंकि ये टेस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल से ही, इसका सैंपलिंग जो होती है वो हॉस्पिटल से ही होती है, क्योंकि इसमें सीएसएफ जो सैंपल लिया जाता है वो नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं लेता है, ये डॉक्टर ही सीएसएफ का सैंपल निकालते हैं। तो इस टेस्ट का जो प्राइस की बात करूं तो प्राइस लगभग 5,000 से 6,000 या थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट्स है वो भी फ्रेंड्स 3 से 4 दिन के अंदर आती है, और इसका जो सीएसएफ का सैंपल है फ्रेंड्स वो डॉक्टर ही हमें निकाल के देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ये सैंपल लिया जाता है, और बाकी ब्लड का जो सैंपल है वो तो नॉर्मल ही, जैसे हम एक रूटीन टेस्ट के लिए सैंपल निकालते हैं सेम उसी तरीके से लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।